भक्त जन, आप सभी का श्री विष्णु पुराण में पुनः एक बार स्वागत अभिनंदन अभिनंदन है। प्रिय भक्त जन, श्री विष्णु पुराण के पहला अंश का तीसरा अध्याय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, जिसका आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें व अपने जीवन में अनन्य लाभ अर्जित करें। तीसरे इस अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर मुनि जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती, अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो, हे विद्वन, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्ध कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमेश को काष्ठा कहते हैं, 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं, अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उनका काल कृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि देवगण इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग, पूर्व कल्पना अनुसार यह बात कही गई है, एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में इनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है, यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं, तथा हे महामुनि, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष हैं।
इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है, इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भूअरलोक और स्वरलोक तीनों जलने लगते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का एक वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा अर्थात ब्रह्मा की परमायु है। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है।